एक तरफ अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान वहां सत्ता के हस्तांतरण में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से उस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में मौजूद संस्थाएं पैसों तक तालिबान की पहुंच रोकने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। इस कारण दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में शुमार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि वो विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। ये विदेशी आर्थिक मदद उसकी कुल GDP का 43% हिस्सा है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में अफगानिस्तान मामलों की जानकार वांडा फेल्बॉब ब्राउन ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, अफगानिस्तान काफी हद तक विदेशी आर्थिक मदद पर निर्भर करता है। तालिबान अपने स्रोत से जितना पैसा जमा कर सकता है ये उसके मुकाबले 10 गुना या फिर उससे भी ज्यादा है। अमेरिका पहले ही अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में मौजूद अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडारों तक तालिबान की पहुंच को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कोष के संसाधनों तक अफगानिस्तान की पहुंच को रोक दिया और कहा कि देश पर तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगान सरकार की मान्यता अब स्पष्ट नहीं रह गई है। IMF के एक प्रवक्ता ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अफगानिस्तान की सरकार की मान्यता को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। इस साल की 23 अगस्त तक अफगानिस्तान को IMF से $37 करोड़ के संसाधन मदद के रूप में मिलने वाले थे। ये मदद आर्थिक संकट से निपटने की मुद्रा कोष की वैश्विक मुहिम का हिस्सा था। इसके साथ ही अफगानिस्तान स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसेट यानी SDR के तहत IMF के संसाधनों का भी इस्तेमाल अब नहीं कर सकेगा। दूसरे दानकर्ताओं ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो अफगानिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद रोकने वाले हैं। इसके पहले अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा था कि केंद्रीय बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के संसाधनों तक तालिबान नहीं पहुंच सकेगा। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस से 17 सदस्यों ने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन को एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि तालिबान को अमेरिका से किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद न दी जाए। पत्र में लिखा है, SDR के जरिए करीब $0.25 करोड़ बिना शर्त एक ऐसे प्रशासन को दिए जाने की संभावना है जिसने इतिहास में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आतंकवादी हमले करने वालों का साथ दिया है। इससे पहले अफगान सेंट्रल बैंक ने कहा था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व में मौजूद उसके कई अरब डॉलर के संसाधनों को फ्रीज कर दिया गया है। बीते सप्ताह देश छोड़कर भागे अफगान केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने कहा था कि एक सप्ताह पहले तक अफगानिस्तान का कुल मुद्रा भंडार $9 अरब का है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इसमें से अधिकतर पैसा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स और सोने के रूप में रखा हुआ है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान अभी भी प्रतिबंधित संगठन है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन संसाधनों को फ्रीज कर दिया जाएगा और तालिबान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अहमदी ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी है, जिसके कारण देश की मुद्रा अफगानी लुढ़क कर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। जून में IMF की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि तालिबान की आय का प्रमुख स्रोत आपराधिक गतिविधियां हैं, जिसमें अफीम का उत्पादन, नशीले पदार्थों की तस्करी, अपहरण करना, खनिजों का दोहन और तालिबान के कब्जे वाले इलाके से मिलने वाला टैक्स है। इस बीच मनी ट्रांसफर कंपनी वेस्टर्न यूनियन ने अफगानिस्तान को पैसे ट्रांसफर करने की सेवा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है।